हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राम टेक्निकल हेल्प। सो फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हो कि होगे कि आपका जो यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब स्टूडियो है, उसके ऊपर एक नोटिफिकेशन मैसेज आया होगा। आप कंफ्यूजन में होगे कि ये नोटिफिकेशन मैसेज है क्या, और ये यूट्यूब हैंडल्स होता क्या है, और ये हैंडल्स सेट करना क्यों जरूरी है, हम लोग सब इस वीडियो के अंदर जानेंगे। सो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली बार आए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। ऐसे बहुत सारे वीडियोज मैं लेके आता रहता हूँ, चाहे वो YouTube से रिलेटेड हो, डेस्कटॉप से रिलेटेड हो, या फिर आपको कोई भी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है, तो आपको यहाँ पर हर टाइप का वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, ये यूट्यूब हैंडल्स होता क्या है ये जानेंगे। क्या होता है कि आपका, मान लो कोई आपका चैनल है किसी भी नेम से, और अगर आप देखोगे कि काफ़ी लोगों ने आपके सेम नेम से बहुत सारे यूट्यूब चैनल बना के रखे होते हैं। अगर मान लो आपका कोई फ्रेंड्स आपसे पूछता है कि आपका यूट्यूब चैनल क्या है, तो आपको अपना यूट्यूब चैनल का नेम तो बता देते हो, बट अगर वो जब जाके सर्च करता है तो वहाँ पर उसको बहुत सारे यूट्यूब चैनल मिल जाते हैं। तो उसी को रोकने के लिए क्या किया है यूट्यूब ने, एक आपको हैंडल सेट कर दिया गया है कि आप अपना हैंडल्स लगा लीजिए। जब भी आप कोई भी आपका फ्रेंड्स आपका जो हैंडल्स यूज करेगा, उसको वो आपका यूट्यूब चैनल मिल जाएगा, और उसको सब्सक्राइबर या फिर जो भी आपको कुछ करवाना है उसमें वो आपको कर देगा। ठीक है, तो इसलिए ये जो हैंडल्स है वो हमारे लिए लगाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि क्या होता है कि आप दूसरे वेब से अगर देखोगे तो यहाँ पर स्कैम्स बहुत ज़्यादा होते हैं। कोई भी आपका मान लो चैनल हैक हो जाते हैं, और कोई आपका मिसयूज करता है, कोई चैनल का नेम का मिसयूज करता है, तो यहाँ पर भी उसको रोकने के लिए यूट्यूब चैनल ने, जो यूट्यूब है उसने एक हैंडल्स दिया है आपको। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं कि उसको सिलेक्ट कैसे करना है। ओके, उसको आपको चूज कैसे करना है आपका जो हैंडल्स है। अभी मैं इसको हटा देता हूं। या तो फ्रेंड्स आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर आपका जो कस्टम यूआरएल है, अगर आपने क्रिएट करके रखा है, तो यहाँ पर आपका जो नेम दिख रहा है, क्या करेगा गूगल, यहाँ पर आपको बाय डिफॉल्ट, अगर आप इसको सेट नहीं करते हो, ये उस केस में है, अगर आप इसको हैंडल को सेट नहीं करते हो, मतलब सिलेक्ट नहीं करते, चूज नहीं करते हो, तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट 14 तारीख के बाद, जो आज ही 14 तारीख है, तो आज के बाद गूगल क्या करेगा, जो यूट्यूब चैनल, यूट्यूब क्या करेगा, आपका जो हैंडल्स है ऑटोमेटिकली आपको असाइन कर देगा, अगर आप इसको सिलेक्ट नहीं करते हो। ओके, तो आपको इसको सिलेक्ट कर लेना चाहिए। अभी देखिए यहाँ पर मेरा कुछ अलग से नेम दिखा रहा है, क्योंकि ये मेरा जो मैंने यूट्यूब जब स्टार्ट किया था चैनल, तब यहाँ पर मैंने ये नाम रखा था, इसलिए मैंने उस टाइम कस्टम यूआरएल भी इसी नाम से सेट कर दिया था। तो मेरे को अभी ये चेंज करना है। ठीक है, या फिर आप एज इट इज भी रख सकते हो, या फिर आप चेंज भी कर सकते हो इसको। ठीक है, अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो ये चूज नाउ का बटन दिख रहा है, यहाँ पर क्लिक कर दूंगा। यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है, एक नया विंडोज ओपन हो जाएगा आपके सामने। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर दिख रहा है कि जो सॉफ्टवेयर और गेमिंग स्पॉटर करके मेरा जो हैंडल्स है, यहाँ YouTube ने मेरे को दे दिया है ऐसा कि आपका ये YouTube चैनल का हैंडल्स है, आप इसको चेंज भी कर सकते हो। तो मुझे चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो आप एज इट इज रख लीजिए, या फिर आप उसको चेंज कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको चेंज करूँगा, या फिर आपका जो ये हैंडल्स यहाँ पर इसने बना दिया है, आप ये वाला यूज कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप ये वाला हैंडल्स है आप सेम एज इट इज यूज करते हो, तो आपका ये चैनल, आपका हैंडल्स यहाँ पर असाइन हो गया है, एट द रेट लग गया है। एट द रेट मीन्स आपका हैंडल्स यहाँ पर लग गया है। अगर आप उसको चेंज करना है, ये उस केस में अगर आपको चेंज करना है, तो यहाँ पर चेंज हैंडल्स कर दीजिए, क्लिक कर देना आपको। यहाँ पर उसने बोला है कि आप यहाँ पर चेंज कर लीजिए। यहाँ नीचे आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पर जो मेरा को चेंज करने के लिए बोल रहा है। अगर मैं अपना क्या करता हूँ, अपना यूट्यूब का जो नेम है, या फिर आप अपनी मर्जी से कुछ भी यहाँ पर जो आपको ठीक लगे वो यहाँ पर डाल सकते हो, बट मेक श्योर कर लेना कि आपका जो चैनल है उसका नेम छोटा ही होना चाहिए, ज़्यादा बड़ा नहीं, ताकि सर्च में जल्दी आ जाए। ओके, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, हैंडल्स ऐसे एरर आया, स्पेस नहीं देना इसके अंदर, आपको स्पेस नहीं देना है। ओके, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इनको छोटा कर देता हूँ, सबको स्मॉल में कर देता हूँ, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए, राम टेक्निकल हेल्प करके मेरा चैनल, यहाँ इसने टिक मार्क भी कर दिया कि आपका ये है, तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर उसके बाद आपको क्या करना है, कन्फर्म
कन्फर्म सेक्शन सिलेक्शन पर क्लिक कर देना है। ओके, यहाँ पर आप अपना चेक कर लेना है राम TECH टेक्निकल हेल्प। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, इसके बाद आपको क्या करना है, कन्फर्म सिलेक्शन पर क्लिक कर देना है। यहां पर आपका जो हैंडल्स है यहां पर देखिए क्रिएट हो जाएगा। अभी मैं इसका यूज करके दिखाता हूं। यहां पर क्या करूंगा, मैं इसको कॉपी करूंगा। गॉट इट। ठीक है, यहां पर मेरा जो हैंडल्स है यहां पर सिलेक्ट हो चुका है। अभी देखिए यहां पर देख पा रहे होगे कि यहां पर भी चेंज हो गया है। अब मेरा ये यूट्यूब चैनल का URL हो गया है। अभी मैं इसको कॉपी करता हूं और दूसरे ब्राउजर पर जाता हूं। देखिए मैंने एक दूसरा ब्राउजर ओपन कर लिया है और मैं यहाँ पर उसको जो मैंने URL लिया था यहाँ पर उसको कॉपी कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर कॉपी किया और इस पर क्लिक कर दूंगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इधर मेरा जो YouTube चैनल है यहाँ पर वो ओपन हो गया है। ठीक है, ओके। सो एज इट इज आप अपना URL हैंडल सेट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो और यहाँ पर आपका सेट कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, अब ये नोटिफिकेशन मैसेज इधर से चला जाना चाहिए क्योंकि मैंने ऑलरेडी चेक कर लिया है। ये देखिए यहां पर चला गया है। ओके, ये नोटिफिकेशन मैसेज जो आ रहा था यहां से चला गया। आई होप आप समझ गए होंगे कि आपको यूट्यूब चैनल हैंडल क्रिएट करना क्यों जरूरी है और आपको कैसे सिलेक्ट करना है और उसको कैसे आपको चेंज करना है, सब आपको इस वीडियो के अंदर मिल गया होगा। ठीक है, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक और शेयर प्लीज। थैंक यू सो मच।